दाल मेरे कहे तो मैं एक कड़छी ज़्यादा पवाऊंगा क्योंकि मेनू बहुत टेस्टी लगती है दाल। सो तुम दाल देख सकते हो थिकनेस बहुत है दाल की। इतने पनीर तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ना, मैंने सब तो ज्यादा पनीर ज्यादा टेस्टी लगा। सत श्री अकाल जी, ओपन पंजाबी चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं चाह सखूजा, मैं हांशु कपूर। सो पिछले ब्लॉग नु तुसी बहुत प्यार दिता, सो दर्शकों की डिमांड ते आज लेके आए जी बफे सिस्टम जो कि भगत सिंह चौंक दे विच पंजाब फूड दे नाम तो आ, जिथे की थाली का प्राइस सिर्फ हैगा जी 110 रुपए। हाँ जी, तुसी बिल्कुल सही सुनिया, सिर्फ 110 रुपीज़ दे विच तुसी इंजॉय कर सकते हो अनलिमिटेड। तो अज का जो व्लॉग आ वह हैगा साढ़े वैजीटेरियन लोगों वास्ते, जोड़ा कि वैजीटेरियन खाना खाते हैं, नॉन वैज इतने नहीं है। तो असं तुहानू हुण मैन्यू दिखावांगे, असं अंदर जावांगे तो देखांगे कि अज के मैन्यू दे विच की आ। तो चलो तुहानू मैन्यू दिखाने हैं। तुसी मैन्यू देख सकते हो, टुडे मैन्यू जीरा राइस, दाल मखनी, येलो दाल, चना मसाला, कढ़ाई पनीर, जीरा आलू, पास्ता, मंचूरियन, दही भल्ले ते सैलड। सो चाइनीज़ फूड भी इतने जो कि अवेलेबल हैगा वा। असी कैश काउंटर ते कैश दे के सानू कूपन मिलेगा, उस तो थाली लैके दैन असी अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। सो देखते हैं 110 रुपीज़ दे विच सानू की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सानू प्लेट मिल चुकी है, हुण आपां 110 रुपए च देखते हैं कि केड़ा केड़ी चीज़ सानू प्रोवाइड की आ। सो खा के पता लगेगा टेस्ट किहो जिहा आ। सो आ जाओ। सो सब तो पहला चाइनीज़ ना करते हैं जी, पास्ता बनया हुआ चाइनीज़ दे विच, देखते हैं किहो जिहा। प्लीज़ अंशु तुसी पाओ। थोड़ा जिहा पास्ता लवेंगे बिकॉज असी फूड की वेस्टेज नहीं करनी बिल्कुल भी। सो असी थोड़ा थोड़ा खाना लवेंगे ताकि वेस्ट ना होवे। तो असी पिछली बार भी यही कहा कि जिन्ना तुसी खा सकते हो उन्ना इत्थे खा सकते, बट इन्ना कि वेस्ट ना फूड होवे। सो नैक्सट मंचूरियन आ जो कि ग्रेवी के नाल मंचूरियन सर्व कर लगे, ये भी चाइनीज़ के आ जाता वा। सो स्नैक्स के नाल नाल इत्थे फूड भी जो कि तुहानू प्रोवाइड किया गया वा। कईयां नूं हुंदा कि असी बाहरला खाना भी आते हैवी नहीं खाना है ना। सो तुसी देख सकते हो येलो दाल दिती गई है, जिहड़े ज़्यादा डाइटिंग वगैरह मेरे वर्गे डाइटिंग करते हैं, सो उन्होंने लिए जो कि सिंपल दाल भी अवेलेबल हैगी। सो तुसी देख सकते हो, सो नैक्सट दाल मखनी है, तो पंजाबियों की शान ही होंगी जी दाल मखनी। सो देखते हैं दाल मेरे कहे तो मैं एक कड़छी ज़्यादा पवाऊंगा क्योंकि मेनू बहुत टेस्टी लगती है दाल। सो तुम दाल देख सकते हो थिकनेस बहुत है दाल की इतने। सो अगे पनीर की जिहड़ी क्वालिटी तुसी वो भी देख सकते हो, पनीर की क्वालिटी किहो जी आ, तुसी देख सकते हो दी थिकनेस कितनी ज़्यादा वा। सो देखते हैं इहदा टेस्ट किहो जिहा सी, पहला जरूर पावांगे। सो अगे सैलड दिता हुआ वा, तुसी देख सकते हो। सो दही भल्ले जो कि तुसी कई ने रायता दिता हुंदा, पर दही भल्ले की तुसी क्वालिटी चेक कर सकते हो, बड़ा थिक क्वालिटी के विच दही भल्ला जो कि प्रोवाइड किया गया वा। सो असी ये भी इंजॉय करांगे। सो तुसी जेकर शौकीन हो दही भल्ले दे ते उत्ते चटनी जो कि इन्होंने रखी है, ये तुहाडी चॉइस आ, तुसी इहनूं लैणा जे नहीं लैणा, पर आपां लवांगे क्योंकि टेस्टी लग रहा वा, बाकी खाण तो बाद चों पता लगेगा किहो जिहा वा। सो साड़ी थाली रेडी हो चुकी है, जो चपाती आ। सो मैं तुहानू पहला सब तो पहला राइस एंड वाइट चने टेस्ट करके दस रही हूँ कि किदां दे आ। किदां दा लगे? सो इट्स वेरी टेस्टी, सच्ची बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ने। तो जिहड़ी साड़ी आपां कहीए क्वांटिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा नहीं आ, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट एंड स्पाइसेस ज़्यादा मिर्ची भी नहीं आ जिहड़े लोग ज़्यादा नहीं खाते। सो या इट्स गुड। सो असीं नैक्सट हुण पास्ता टेस्ट करके तुहानूं, क्योंकि चाइनीज़ हर एक बफे च दिता जांदा, सो देखते हैं इत्थों दा जिहड़ा चाइनीज़ फूड आ किन्ना कु ज़्यादा टेस्टी आ। किदां दा लगा मैम? सो पास्ता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आ, सॉसेस जिहड़ियां इन्होंने पाई हुई ने बिल्कुल मतलब लिमिटेड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दे विच ने, बिल्कुल भी ओवर नहीं आ कुछ भी, बहुत ज़्यादा टेस्टी आ। सो फास्ट फूड भी बहुत टेस्टी आ एंड दाल मिक्स की अपने राइस दे विच, ते हुण मैं तुहानूं दाल दा टेस्ट दसूंगी किदां दा आ। चपाती असी लै सकते हैं वेटर नूं कह के, सो सर चपाती दे दो प्लीज़।
बटर नान लाओ। सो बटर नान की डिमांड हुई है, सो ऑप्शन उन्होंने दिती सी बटर नान या लच्छा परौंठा। सो असी जी बटर नान मंगिया क्योंकि बड़ा पंजाबियों का फेवरेट हुंदा वा। सो पंजाबियों की गल दसूगी अंशु कपूर क्योंकि पंजाबियों नू खाण तो इलावा सो मैंने एक गल बहुत ही ज़्यादा फनी लगती है, मैं अपने फ्रेंड्स में जो भी किसी ने पूछती हाँ कि असं कितने घूमन चलिए तो उन्होंने एक ही आंसर होंगे, जो मैं उन्होंने कहाँ कि कितने घूमन चलिए तो उन्होंने एक ही जवाब अगों मैं आता है कितने खाण पीन चलते हैं, मतलब उन्होंने वास्ते घूमना सिर्फ खाना पीना आ। सो पंजाब इज़ फेमस फॉर फूड, सो मैं सोचा क्यों ना थानू फिर असी न्यू प्लेसिस दसीए जिते आगे तुम अपना फूड इंजॉय कर सकते हो, एंड लिमिटेड यू नो लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड खाना वो भी जस्ट इन 110 एंड लिमिटेड प्राइजेस, यू नो वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। चपाती नहीं आ रही, मैं पनीर खा के दसूँगी तुहानू किदा दा आ। पनीर तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने सब तो ज़्यादा पनीर ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मेरे मुँह से तो पानी आ रहा है, बट मैं ऑफ कैमरा इनू जरूर ट्राई करूँगा किहोजा फूड आ। सो हजे तो बहुत सोहना लग रहा वा, दही भल्ले बहुत मतलब कि बेस्ट क्वांटिटी दे या बेस्ट क्वालिटी दिती गई आ, सो मैं तो जरूर इंजॉय करूँगा। सो मैं तो दही भल्ला खान लगी हूँ, तो मैं तुम्हें ये भी दसूँगी आ किदा दा आ। सीरियसली बहुत थिक एंड रिच मिल्क यूज़ किया गया है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सीरियसली खाना सच्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो हूँ वी आर वेटिंग फॉर द चपाती, जो चपाती आऊगी असं तुम्हें वो भी दसागे कि बटर नान जड़ा वो किदा का सी। जेकर दसीए तो जी ये पिछले मंडे जो कि ओपनिंग हुई है नवा नवा रेस्टोरेंट खुला वा, सो तुसी इतने आके इंजॉय कर सकते हो। ये शहीद भगत सिंह चौंक विखे गुरु रामदास स्वीट्स के बिल्कुल ओपोजिट आ, सो तुसी इंजॉय कर सकते हो, फूड बहुत टेस्टी आ। सो चपाती साड़ी आ रही है, सो खा के दस दें किहो जिहा लग रहा वा। सो चपाती आ चुकी है, असी चपाती का नाम लिया, सो चपाती वाले भैया आ चुके हैं। सो सो यह हैगा जी सिंपल रोटी जिहड़ी हुंदी आ। सो अगे बटर नान मैं जरूर खाऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी टेस्टी फूड, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है ये एंड खान जो भी ऑब्वियसली टेस्टी होगी। सुनो सो देखते हैं किहो जिहा लगा मैम नू फूड, बिकॉज मैडम खा रहे हैं मैनू लगता 110 रुपए की है, तो 130 रुपए पूरे करके जाऊंगे। सो मतलब कि इतने पैसे भी ज़्यादा नहीं है, 110 रुपए के विच तुसी फूड देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो। रेस्टोरेंट के ओनर साडे नाल जुड़ चुके हैं। हाँ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की नाम अपना? बलवीर कुमार है जी। ठीक है, तो जिहड़ा तुसी रेस्टोरेंट बफे सिस्टम खोले किन्नी चिर हो गई इत्थे खोले नू? ये सर अपने 30 तरीक नू खोले जी, 30 अगस्त नू। दर्शकों का मतलब कि कस्टमर्स का किन्ना क साथ मिल रहा तुहानू इहदे विच? दर्शकों का बहुत वधिया, कस्टमर का साथ मिल रहा, बहुत वधिया रिस्पोंस आ रहा, क्योंकि 110 रुपए असी वैज फूड दे रहे हैं जो कि अजकल जलंधर च बहुत घट है और इन्नी क्वालिटी भी नहीं मिल रही जिन्नी असी दे रहे हैं उन्होंने। जिवें कई होंगे कि आप किटी पार्टी करनी आ, बर्थडे पार्टी करनी आ, सो तो इतने अवेलेबल हैगी है इदा की जगह? जी जी बिल्कुल, किटी पार्टी बर्थडे पार्टी असी अरेंज कर देंगे जो भी होगा। असी कोई एक्स्ट्रा चार्जिज होंगे हॉल लई? जिदा नहीं कोई एक्स्ट्रा चार्जिज नहीं होंगे, जो साड़ी फूड की कॉस्ट होंगी सिर्फ असी उही लवांगे। मोस्टली जिहड़े हुंदे आ कि लोग ना वैज खाना पसंद करते हैं, है ना, जिथे आप नॉन वैज वाले रेस्टोरेंट से चल जाते हैं वो कई कहते कि हैंड वॉश नहीं किए होंगे, सो इतने प्योर वैज आ तुहानू? जी जी बिल्कुल 100% प्योर वैज इतने मिलेगा फूड तुहानू। सो की कहना चाहोगे साडे कस्टमर्स नू अपने रेस्टोरेंट बारे? जी कस्टमर यही कहना चाहता है कि जलंधर से 110 रुपए असी वैज दे रहे हैं, क्योंकि जलंधर से बहुत घट है कि कोई 110 रुपए वैज दे रहा, असी आइटम भी काफ़ी दे रहे हैं इस टाइम क्योंकि असी प्रॉफिटेबल नहीं जा रहे हैं हले, असी एक जलंधर से अपना नाम बनाइए रेस्टोरेंट का और वधिया क्वालिटी फूड और वधिया सारा कुछ देिए। एक बार प्रॉपर एड्रैस दस दो साडे दर्शकों को कि तुहाडा रेस्टोरेंट कित्थे अवेलेबल है, टाइमिंग की है इहदी? सर साडा अपना रेस्टोरेंट हैगा पंजाब फूड वैजीटेरियन बफे, ये भगत सिंह चौंक नीयर भगत सिंह चौंक है, ओपोजिट रामदास स्वीट शॉप। टाइमिंग 11 बजे तो 4 बजे तक है, उस तो बाद ब्रेक हो जाती है, फिर 7 बजे तो लैके रात 11 बजे तक चलता है। समटाइम्स लंच और डिनर के आइटम्स चेंज भी होंगे रहा? नहीं आइटम डेली सेम रहती है, डेली चेंज होती है आइटम, कोई ना कोई पर डे सेम रहती है आइटम। थैंक यू। सो ये जी ओनर ऑफ द पंजाब फूड जिन्होंने सानू दसिया कि बफे सिस्टम जो कि 110 रुपए के विच जिहड़ा तुसीं फूड इंजॉय कर सकते हो। सो अगली बार होर भी तुहानू कुछ नवी प्लेसिस ते लैके जावांगे, तद तक लई मैनू तो इजाजत, धन्यवाद।